to all please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates today is 30 june of 2020 and it's a tuesday today so let's start the analysis of the newspaper our first news is aaj ki hum pehli news jo dekhenge unlock two rules unveiled ke chacha jaise hum sabhi jante hain ki june 13 pura june unlock one chal raha tha unlock ab unlock chalega pehle lockdown chal raha tha ab अब unlock हो रहा है. तो june पूरा lock अनलॉक वन था अब ये जुलाई अनलॉक टू होगा तो इसमें ये बताया गया है कि कल गाइडलाइंस आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जिसमें कहा गया है कि मेट्रो रेल सर्विसेज स्कूल्स कॉलेज जिमनास्टिक जिम ऑडिटोरियम बार स्विमिंग पूल्स इंटरटेनमेंट पार्क थिएटर असेंबली हॉल्स और ऐसी चीज़ें क्या कहते हैं बंद रहेंगी इस महीने भी पूरी तरह से बंद रहेंगी और जो क्या कहते हैं ऑल लार्ज कॉन्ग्रेशन इंक्लूडिंग रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स एंड एकेडमी कॉन्टीन्यूट रूप में प्रोहेबिटेड ये सब जो मीटिंगें होती हैं उनमें प्रोहिबिटेड किया गया है अभी इस महीने भी ये बंद रहेंगी आज पी एड्रेस भी करेंगे नेशन को चार बजे क्या कहते हैं आज उनका एड्रेस है और वो बताएंगे आगे की और कोई गाइडलाइंस जो होंगी वो उसके बारे में बताएंगे एस एस में बताया गया है दूसरी न्यूज़ देखते हैं दिल्ली गवर्नमेंट टू सेट अप प्लाज्मा बैंक कि दिल्ली गवर्नमेंट ऐसा पहली है गवर्नमेंट है जो ऐसा प्लाज्मा बैंक की क्या शुरुआत कर रही है इससे पहले क्लिनिकल ट्रायल हुआ है प्लाज्मा बैंक का वहाँ पे महाराष्ट्र में लेकिन ऐसा बैंक पहली बार दिल्ली में खुलना है ऐसा इसमें बताया गया द दिल्ली गवर्नमेंट विल सेल्ट अप फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लाज्मा बैंक इन द कैपिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड नाइनटीन पेशेंट्स कि जो प्लाज्मा बैंक है उससे कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स को हेल्पफुल मिलेगी ऐसे में कहा गया है चलिए देख लेते हैं प्लाज्मा बैंक के बारे में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन आर टू फोर सेवन या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी वहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को प्लाज्मा बैंक दिल्ली गवर्नमेंट टू सेट अप प्लाज्मा बैंक एट आई एल बी एस द फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इन इंडिया आई एल बी एस इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइनरी साइंसेस क्या कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट प्लाज्मा बैंक की शुरुआत करेगी ट्रूट कोविड नाइन्टीन पेशेंट और 29 जून दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अनाउंस डे द्लाज्मा बैंक विल भी सेटअप एट द नेशनल कैंप कैपिटल इन द नेक्स्ट टू डेज कि दो दिन में कहते हैं प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होनी है इसे सेटअप कर लिया जाएगा द प्लाज्मा बैंक विटअप एट एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइंडी साइंस ये आई एल बी एस किया जाएगा एट द दे डेली गवर्नमेंट्स लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल थर्टी पीपल हैव बिन एडमिनिस्ट्रेड विथ प्लाज्मा थेरेपी आउट ऑफ विथ थर्टी हैव सर्वाइव्ड पैंतीस लोगों के ऊपर क्या कहते हैं ट्रायल हुआ इस प्लाज्मा थेरेपी का जिसमें से चौंतीस लोग सही हो चुके हैं सर्वाइव कर चुके हैं इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ प्लाज्मा द चीफ मिनिस्टर हैज़ आर्ग्यूड क्योर्ड कोविड नाइन्टीन पेशेंट टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट प्लाज्मा इसमें कहा गया है कि जो ठीक हो चुके हैं कोविड नाइन्टीन से उनसे क्या कहते हैं बात हुई है और क्या कहते हैं उनसे कहा गया है कि आगे आएँ और डोनेट करें प्लाज्मा जिससे क्या कहते हैं बाकी जो कोविड पेशेंट इस वक्त हैं एक्टिव जो हैं केसेज हैं उनको हेल्प मिल सके और वो भी क्योर हो सके और वो भी सही हो सके कोविड नाइन्टीन से प्लाज्मा थेरेपी देख लेते क्या होता है अ पर्सन हु हैज़ रिकवर्ड सक्सेसफुली फ्रॉम द कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन कैन डोनेट हिज और हर प्लाज्मा इन द केस ऑफ कोविड नाइन्टीन कोनवोलेस प्लाज्मा इज यूज ट्रांसफर एंटीबॉडीज टू द पेशेंट सबरिंग फ्राम द कोविड नाइन्टीन वायरस इट इज़ देल्स पेशेंट बॉडी टू डेवलप सिमिलर एंटीबॉडीज फॉर फाइटिंग द कोविड नाइन्टीन वायरस क्या कहते हैं कि जो उनसे प्लाज्मा लिया जाता है जो ठीक हो चुके होते हैं उससे तो उनका इम्यून बढ़ा होता है जिससे वो तुरंत सही हुए होते हैं जो कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स हैं तो उनका प्लाज्मा लेने से ज़्यादा हेल्पफुल बनेगा जो कोविड पेशेंट्स हैं वो भी उसी तरह का एंटीबॉडी बना सकते हैं इस वायरस से लड़ने के लिए तो इसलिए ये हेल्पफुल हो सकता है जो अभी तुरंत सही हुए हैं उन लोग से अगर प्लाज्मा लिया जाए अगर वो लोग डोनेट करें तो इसीलिए रिक्वेस्ट किया गया है और कहा भी गया है कि आगे आइए और डोनेट करिए प्लाज्मा जो कोविड पेशेंट्स से सही हुए हैं ट्रायल विथ प्लाज्मा थेरेपी कंडक्टेड टू डेव शोन पॉजिटिव रिजल्ट द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द वायरस एट द सेकेंड स्टेज है इसमें बताया गया है कि जो पेशेंट जो वायरस सफर हो रहे हैं सेकेंड स्टेज में उनको क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल की प्रॉब्लम होती है या रेस्परेशन में प्रॉब्लम होती है उनकी सांस धड़क वो सांस बहुत तेज लेने लगते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम होती है इन बहुत केसेज वेन द पेशेंट वॉज गिवेन प्लाज्मा थेरेपी द लेवल्स इम्प्रूवमेंट दोनों केसेस में कि जब भी प्लाज्मा थेरेपी यूज़ हुई तो हेल्पफुल हुई लोगों के लिए और क्या कहते हैं लोग अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं ऐसा कहा गया प्लाज्मा डोनेशन डज नॉट कॉज एनी वीकनेस इन एन इंडिविजुअल अ पर्सन कैन डोनेट प्लाज्मा अगेन इन अ गैप ऑफ टेन डेज कि प्लाज्मा डोनेट करने से किसी को कोई क्या कहते हैं वीकनेस नहीं आएगी कोई कमज़ोर नहीं हो जाएगा वो क्या कोई ऐसा कुछ होगा नहीं कोई भी इंसान दस दिन के गैप के बाद डोनेट कर सकता है प्लाज्मा ऐसा इसमें बताया गया आगे की न्यूज़ देखते हैं टिकटॉक अमन फिफ्टी नाइन ऐप बैन बाय द सेंटर कि चाइना के ऐप फिफ्टी नाइन ऐप्स को कहते हैं इंडिया में बैन कर दिया गया है कल ही हुआ ऐसा कहते हैं जैसे टिकटॉक हो गया शेयर इट हो गया एम आई वीडियो क्लब फैक्ट्री कैम्स कहना इन सबको बैन कर दिया गया है इंडिया चाइना कमांडर्स टॉक टू होल्ड टॉक्स जाके फिर से टॉक होनी है चाइना वो क्या इंडिया चाइना कमांडर टॉक होनी है जैसे अभी हुई थी कुछ दिन पहले जिसके बाद दोनों के बीच में एक मीट बाईस जून को हुई थी जिसमें के बाद दोनों साइड से एक म्यूचुअल कॉन्सेस बना था कि दोनों तरफ से डिसंगेजमेंट होगा वापस जाएंगे अपने तरफ और कोई लड़ाई नहीं होगी कोई एग, एग्रीमेंट की तोड़ नहीं होगा ऐसे में कहा गया था द इंडियन साइड विल बी लेट बाई लेफ्टन जनरल हरिंदर सिंह ये इंडियन साइड लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह लेड करेंगे और जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है चौदह कॉप्स के ले बेस्ट के जो ले बेस है वहाँ के चौदह कॉप्स के वो कमांडर हैं और चाइनी साइड करेंगे मेजर जनरल ली उन कमांडर ऑफ द साउथ जिंगपिंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ये लोग अपने अपने साइड से करेंगे एस में कहा गया है डी जी डी नॉट फॉर ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोवैक्सिन द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डी ये आप याद करिएगा परफॉर्म डी सी जी आई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं कि डी कब बनाता है और कमेंट जरूर करें हैज परमिटेड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोवैक्सिन द कंट्रीज़ फर्स्ट वैक्सीन कैंडिडेट फॉर कोविड नाइन्टीन की कोविड कोवैक्सीन co जो बनी है उसकी क्या कहते हैं जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई हैदराबाद में ये हैदराबाद में बना है क्या कहते हैं इसमें कहा गया कि जुलाई में इसका ट्रायल किया जाएगा उसके बाद फिर ह्यूमन ट्रायल होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि कहते हैं ये हेल्पफुल है कि नहीं तभी इसके, इसे यूज़ किया जाएगा ऐसा वैक्सीन बनाई गई है देखिए क्या होता है क्या कहते हैं ये याद करने वाला है डी जी डी सी जी आई क्या है डी सी जी आई के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएँ कल हम इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे आगे की न्यूज़ देखते हैं एन जी टी सिक्स रिपोर्ट ऑन सैंड माइनिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन जैसे आप सभी ने देखा कि लॉकडाउन के समय सब कुछ बंद था लेकिन सैंड माइनिंग उत्तर प्रदेश में चली रही थी उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में वहाँ पे अभी भी माइनिंग चल रही थी सैंड माइनिंग बालू की खदान बालू खनन जो होता है उसको चल रहा था उसी पर एन ने रिपोर्ट मांगी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट मांगी है आप वीडियो पॉज करके एन का एन का बताएं कि एन किस एक्ट से आया था और कब आया था क्या कहते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं चलिए देखते हैं एन के बारे में एन जी टी एन जी टी वॉज स्टैब्लिश इन टू थाउजेंड टेन अंडर ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के अंदर आया था दो हज़ार दस में ये एक एन्वायरमेंटल कोर्ट होती है जो क्या कहते हैं सिविल केसेज जो देखती है सिविल एन्वामेंटल मैटर्स पर डिस्कशन देती है अपना और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इशूज़ पर भी अपना डिसीजन देती है एक ये सिविल कोर्ट टाइप की होती है इन्वायरमेंटल सिविल कोर्ट मान लीजिए ये क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करती है और इसके और इस पर कोई सिविल प्रोसीजर नहीं होता कि ये कोई सिविल प्रोसीजर उसी पे वर्क करेगी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एन का क्या होता है इसमें एक चेयरपर्सन होता है जुडिशल मेंबर्स होते हैं एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो पाँच साल का टर्म लेते हैं उनका पाँच साल का टर्म होता है और एक बार जो बन गया वो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता है द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट कंसल्टशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चीफ ज चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सी के साथ बात करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है इसके अलग और भी मेम्बर जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर को क्या कहते हैं वो अपॉइंट करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है सिलेक्शन कमेटी इसमें लगभग एटलीस्ट टेन और मैक्मम ट्वेंटी फुल टाइम जुडिशल मेम्बर्स और एक्सपर्ट मेम्बर्स होते हैं इसके पावर्स क्या होते हैं दिबन डवर ऑल सिविल केसेज इन्वाल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरमेंट यह हर सिविल केसेज में डिसीजन देती है जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं एन जी टी बाई एन ऑर्डर कैन प्रोवाइड रिलीफ एंड कम्पनसेशन टू द विक्टम्स ऑफ पॉल्यूशन अदर इन्वायरमेंटल डैमेज कि रिलीफ और कम्पनसेशन भी दे सकता है जो विक्टीम्स होते हैं पॉल्यूशन और अदर एनवायरमेंटल डैमेज के इसमें यह बताया गया है एन जी टी डील करता है इन सिविल केसेज को सात लॉ के द्वारा ये लॉ है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ़ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट नाइनटीन सेवनटी सेवन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नाइनटीन एटी द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट नाइनटीन एटी वन दिनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स द पब्लिक लेवल्टी इंश्योरेंस एक्ट नाइनटीन और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट टू इन सब के इन लॉ के अंदर ये अपने सिविल जो केसेजमेंटल से इशू होते हैं उन पर डिसीजन देती है एन ग्रुप ट्रिब्यूनल चलिए आगे की न्यूज देखते हैं but firm, India must op in wider इसमें वही इंडिया चाइना के बारे में बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि जो बीस सोल्जर्स मरे द गवर्नमेंट एक्ट पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रिपोर्ट्स ऑफ द स्टैंड अपनी

अर्ली में मेकिंग क्लियर दैट इंडिया स्ट्रैटेजिक इस्टेब्लिशमेंट है टू वरी अबाउट की कहते हैं शुरुआत कही मई के शुरुआत में ही चाइनी जो ट्रूप थे उन्होंने बिल्टअप बना लिया था और एक स्ट्रेटजी बना ली थी कैसे उसकी तरफ बढ़ना है एल की तरफ और कैसे इसको तोड़ना है और लोग इंडियन साइड पर जाना है ऐसा उनका पहले ही कोई स्ट्रेटेजी बन गई थी इस बात पर इंडिया को वरी करना चाहिए सोचना चाहिए और देखना चाहिए कैसे इन तरह के इशूज़ को ऐसा कभी आके हो तो कैसे इसको रिजॉल्व करें और जो अभी भी है कुछ क्योंकि चाइनीज ट्रूप अभी पूरे गए नहीं हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि कैसे उनको वापस भेजें और इंडियन टेरिटरी को क्या कहते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करें द नंबर ऑफ द यूज ऑफ वायलेंस ऑन जून द शीट नंबर ऑफ ट्रूस एंड द एंडमेंट इज अपड चाइनाजेड एवरी एग्रीमेंट ऑन बॉर्डर पीस दैट द टू टू साइड्स ऑफ दैट्स नाइनटी थ्री एग्रीमेंट कि इंडियन लोगों इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि कहते चाइना ने सारे वर्ल्ड के सारे एग्रीमेंट तोड़े हैं जो 1993 एग्रीमेंट में थे सारे उन्होंने तोड़े हैं और क्या कहते हैं क्योंकि उनके ट्रूप्स इधर आए और पूरे वेपनरी के साथ आए और डिस्ट्रक्शन किया लोग, लोग मरे इंडियन ट्रूप्स मरे इंडियन आर्मी के कहते हैं इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मरे तो वही काफ़ी ये सारे एग्रीमेंट इन्होंने तोड़े हैं चाइना ने पहले शुरुआत की एग्रीमेंट तोड़ने की तो इसमें वही बात की गई है और भी क्वेश्चन आता है कि अदर क्वेश्चन रिमेन अबाउट प्राइम मिनिस्टर इंसिस्टेंस एंड ई एस कंसिस्टेंस एट दट द चाइनीज कम अक्रॉस द एशिया एंड हैव बीन ओनली अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन बाय द पी एल ए सेटेलाइट पिक्चर्स एंड मीडिया अकाउंट्स पॉइंट टू द कंट्री कि जैसे आपने देखा था कि पी एम मोदी का जुर्मा आया था कि इंडियन टेरेटरी पूरी तरह से सेफ है वहाँ पर कोई चाइनीज ट्रूप नहीं आया है तो और क्या कहते हैं एम ई ए का भी था कि चाइनीज ट्रूप ने सिर्फ कोशिश की है एल ए सी के पार होने की लेकिन नहीं हुए तो वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ जब सेटेलाइट पिक्चर्स आई और मीडिया ने कहते फ़ोटो वायरल की तो पता चला कि वो पूरी तरह से कॉन्ट्रास्टिक था ऐसा कुछ नहीं है वो चाइनीज ट्रूप इंडिया साइट पे आ चुके हैं एक किलोमीटर तक अंदर तक उन्होंने टेंट टेम्परेरी टेंट लगा लिया था इसमें वही बात की गई है इट्स स्टेप वेदर इट इन्वर्स मिलिट्री एक्शन इंटरनेशनल सपोर्ट और सेंशन बाय बैनिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स और पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज टेलीकॉम एंड अदर कंपनीज विलकम विथ सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस एंड द गवर्नमेंट मस्ट इन्श्योर वाइड कंसल्टेसन सिमलेटलिंग प्रिपेरिंग द पेपर वॉट दे वॉट मे फॉलो इसमें वही बात की गई है कि क्या कहते हैं जैसे हम लोग बैन कर रहे हैं वो तो ठीक है लेकिन और भी कहते एक्शन लेना पड़ेगा और भी कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी उसके हिसाब से हमें एक्शन लेना चाहिए जिससे हमें भी घाटा ना हो इंडिया को भी नुकसान ना पहुँचे तो ऐसे एक्शन लेने चाहिए हमें इस पूरे एडिटोरियल में ये बात की गई है नेक्स्ट एडिटोरियल आता है लेजिटमेट कंसर्न अ फाइनल नागा पीस अकॉर्ड इज़ अ की टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एक फाइनल नागा पीस अकॉर्ड कहते हैं बनाना चाहिए लॉ लॉड लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में बना लेने के लिए नागालैंड में ऐसे इसमें बात की गई है एक लेटर लिखा गवर्नर ने नागालैंड के गवर्नर ने नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को नीफी रियो को कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा तरह से कोलाब किया गया है और क्या कहते हैं स्टेट में और जो आर्म गैंग्स हैं जो जिनके पास हथियार है वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि सोवरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए कि उनकी कहते हैं वो नेशन के साथ कैसे जुड़े हैं या वो उनको पूरी तरह से फ्री कैसे हैं कि किसी का प्रेशर उनके ऊपर नहीं है ऐसा वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वो लोग तो पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से क्या कहते हैं तोड़ रहे हैं ऐसे इसमें कहा गया है इस वक्त वहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी है का रूल है जो कहते हैं बीजेपी के साथ खोली गवर्नमेंट बना रखी है ये पूरी तरह से एडिटोरियल ऐसा ही है इसी के बारे में नागा के पीस के बारे में बात की गई है आप पढ़ सकते हैं लेकिन कोई इसका इंपॉर्टेंट इशू नहीं लगता कि ऐसा पूछ आएगा द फोकस ऑन वन नेशन वन राशन कार्ड इज मिसप्लेस वन वॉट इज नीडेड इज़ अ यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि जो अभी इस वक्त जो था कि इस वक्त फोकस पूरी तरह वन नेशन वन राशन कार्ड का वह पूरी तरह चेंज हो गया है और हमें हमें इस वक्त वो चाहिए कि यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए पूरी तरह से पब्लिक हो और यूनिवर्सल हो कि कहीं से भी कोई ले सके इसमें वही बात की गई शुरुआत होती है ऐसे कि हमने देखा ही है कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके हैं और हेल्थ केयर सेक्टर्स में भी दिक्कतें हो रही हैं कोविड नाइन्टीन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और कहते हैं उसके लिए हमें नॉर्मल आने के लिए बहुत समय लगेगा और तब तक, तक बहुत दिक्कत हो सकती है ऐसा इसमें यह भी कहा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो लोगों को कि रहन सहन में दिक्कतें हुई हैं लोग खाना प्रोवाइड नहीं हो पा रहा लोग भूख से भी मर रहे हैं तो इसमें वही बात की गई है इसमें बताया गया कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुरुआत किया 1.70 लाख प्रोवाइड किया इसके लिए करोड़ क्या कहते हैं रिलीफ प्रोवाइड किया गया जिसमें पाँच किलो फूड ग्रेन दिया जा रहा था और एक किलो पल्सेस हर किसी को दिया जा रहा था जिनको जरूरतमंद है सबको दिया जा रहा था तीन महीने के लिए दिया जा रहा था जिसका एंड अभी तीस जून को ख़त्म हो रहा है आज के दिन ये ख़त्म हो रहा है उसी पर क्या कहते हैं लोग कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या लोगों ने कहा है कि उसे बढ़ाना चाहिए और सितंबर तक करना चाहिए जिससे क्योंकि अभी कोविड पेशेंट्स हैं और इन अनएम्प्लॉयमेंट है ही क्योंकि लोग वापस चले गए जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे वापस चले गए तो वो लोग भूख से ना मरे ऐसे इसमें बात की गई है चलिए देख लेते हैं पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फिर आगे का देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना इसके लिए वन लाख करोड़ पैकेज क्या कहते हैं बनाया गया है इसका क्योंकि ये कोविड नाइन्टीन पैंडमिक को के कारण काफ़ी दिक्कतें हुई लोगों को इसमें बताया गया है इसमें आता है कि हेल्थ केयर वर्कर को पचास लाख का इंश्योरेंस कराया गया है और फूड टू पुअर अस्सी करोड़ गरीब लोगों को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पाँच किलो व्हीट या राइस देना है और एक किलो पल्सेस दाल देना है मनरेगा वर्कर्स को जो थर्टीन पॉइंट सिक्स थ्री करोड़ हैं उनका वेजेस बढ़ा दिए गए उनको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं एक सौ बयासी से बढ़ा के दो सौ दो रुपये पर डे दे देने हैं जन धन अवमेन अकाउंट होल्डर जो हैं जो ट्वेंटी पॉइंट फोर करोड़ हैं उनको 500 सौ पर मंथ तीन महीने के लिए देना है वो भी जून में ही ख़त्म हो रहा है सीनियर सिटीजन्स जो हैं डिसेबल्ड और पूर्व विडोज हैं जो तीन करोड़ उनको एक्सग्रेशिया ऑफ रुपीज़ हंड्रेड थ्रू एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम जो पेंशन स्कीम है उसके तहत सौ रुप, हज़ार रुपये देना है फार्मर्स जो हैं एट पॉइंट सेवन करोड़ फ्रंट लोडिंग ऑफ टू थाउजेंड टू देम अंडर एग्जिस्टिंग पीएम किसान योजना उन्हें प्रफ्रेंट लोडिंग भी देनी है दो सौ दो हज़ार रुपए की पीएम किसान योजना के तहत उज्ज्वल बेनिफिशरीज जो हैं उनको फ्री सिलेंडर देना है तीन महीने के लिए वेज अर्नर्स जो है दो अर्निंग बिलो फिफ्टीन थाउजेंड पर नेक्स्ट थ्री मंथ्स क्या कहते हैं जो जो लोग हैं जिनकी इनकम पंद्रह हज़ार से कम है और ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ सौ वर्कर्स से कम लोग हैं तो उनका चौबीस परसेंट जो है उनकी जो इनकम है उसको उनके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा इन तीन महीनों के लिए ऐसे इसमें बताया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उसमें यह भी है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए भी है कि सेंटर इज डायरेक्टेड स्टेट यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर फंड टू रिगिव रिलीफ टू थ्री पॉइंट फाइव करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स की थ्री पॉइंट फाइव करोड़ जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको वेलफेयर फंड दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन वेलफेयर वर्कर्स वेलफेयर फंड दिया जाएगा चलिए एडिटोरियल आगे देखते हैं इसमें आता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वापस गए हैं जो प्रधानमंत्री गल्याण कल्याण योजना थी उसमें से उन लोगों को दिया जा रहा था जो जिनके पास आधार कार्ड था लेकिन उसके बाद फिर सबको देना चालू हुआ फिर एक महीने बाद फिर सबको प्रोवाइड होने लगा दो महीने के लिए प्रोवाइड हुआ है जो माइग्रेंट से वापस गए थे ये इन्हें दिया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत जो लॉन्च हुआ था उसके तहत इन्हें जो माइग्रेंट वर्कर्स अपने अपने घर वापस गए उनको दिया जा रहा था इसमें वही बात की गई है इसमें एक क्वेश्चन ऐस होता है वॉट इज रिक्वायर्ड इज अ यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इंश्योर दैट नो बडी इज एक्सक्लूडेड वॉट इज ऑल्सो एन अर्जेंट नीड नाउ इज़ फॉर द फूड सपोर्ट अनाउंस फॉर एस पार्ट ऑफ द पी एन जे के आई एंड आत्मनिर्भर पैकेज टू बी एक्सपेंडेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड एज बोथ एंड इन जुनाए वही की कहते हैं अब हमें ज़रूरत है कि यूनिवर्सल पी सिस्टम हो जो कहते हैं जिससे कोई बच ना पाए जिससे कोई गरीब ना बचे सबको खाना मिल सके और आराम से कोई भूख के मारे ना मरे तो इसलिए क्या कहते हैं इसमें यही बात की गई और उसमें यह भी कहा गया जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को दिया जा रहा था पाँच किलो गेहूं या चावल या एक किलो और क्या कहते हैं एक किलो दाल तो उसको दो महीने तीन महीने और बढ़ाना चाहिए क्योंकि जून में ये ख़त्म हो रहा है उसके बाद भी लेकिन अभी भी लोग दिक्कत में हैं क्योंकि लोग अभी भी वापस जा रहे हैं और जो चले गए तो उनको भी जॉब नहीं मिल पाई है तो इसे बढ़ाना चाहिए तो ऐसा लोगों का कहना है ऐसा कई लोगों ने कहा है और कई लोगों ने लेटर भी लिखा है गवर्नमेंट को कि ऐसा करें जिससे लोगों को हेल्प मिल सके वन नेशन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम इज एक्सपेंडेड अक्रॉस द कंट्री विच इज़ सपोज टू बी अचीव बाय मार्च 2021 वन नेशन वन राशन कार्ड जो स्कीम है उसे मार्च 2021 तक पूरी कंट्री में फैलाने की बात की गई है कि पूरी तरह से सबके पास पहुंच सके इसमें वही है कि क्या कहते हैं इसके अंडर जो कितने भी एन एफ एस ए के अंडर कह रहे हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हर कोई आधार कार्ड से और क्या कहते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से कहीं से भी किसी भी प्राइस शॉप से पूरे कंट्री में ले सकेगा क्या कहते हैं राशन इसमें वही बात की गई है इसमें यह भी कहा इट हैज़ बीन अनाउंस डेट ओ एन ओ सी इज़ ऑपरेशन इन ट्वेंटी स्टेट कि ओ एन ओ सी बीस स्टेट में क्या कहते हैं वर्क करने लगा है धीरे धीरे वर्क कराया जा रहा है इसमें यही बात की गई है इसमें यह भी का इसमें यह भी क्वेश्चन अराइज होता है कि ओ एन ओ सी इज़ डेफिनेटली नॉट अ सोल्यूशन टू द इमीजिएट क्राइसिस ऑफ हंगर दैट कंटिन्यूज इन द आफ्टर मैट ऑफ द लॉकडाउन कि ओ एन ओ सी वन नेशन वन आधार वन कार्ड वन राशन कार्ड क्या कहते हैं इसका सोल्यूशन नहीं है इस हंगर का जो क्या कहते हैं इकनॉमिक इकोनॉमिक क्राइसिस और कोविड नाइन्टीन कारण आ गई है उसका ये क्या कहते हैं सॉल्यूशन नहीं हो सकता है इसके लिए कोई और सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए यूनिवर्सल पीडीएस हो सकता है इसका सॉल्यूशन तो इसमें वही बात की गई है कि कहते हैं ओ एन बताता है कि क्या कहते हैं मई में लगभग तीन सौ हुए तीन हज़ार को मिला और जून में चार को मिला थ्री तीन हज़ार आठ सौ छप्पन बेनिफिशरीज़ को मिला और अप्रैल में इससे भी कम था तो और क्या कहते हैं मिस्टर पासवान ने कहा है क्या कहते हैं हम सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं लगभग कोई इस वक्त भूखा नहीं मर रहा हम सबको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा उनका कहना है लेकिन ऐसा नहीं है क्या कहते हैं क्योंकि कई लाख माइग्रेंट्स थे और बहुत से अभी हजारों में ही राय लोगों पर और कई लाख माइग्रेंट्स वर्कर्स तो इधर से उधर ही गए हैं अपने होम स्टेट गए हैं तो क्या कहते हैं खाना तो अभी कुछ हज़ार लोगों को ही मिल रहा है तो क्या कहते हैं बाकी लोग कहाँ जा रहे हैं बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है ये क्वेश्चन राइज करता है और गवर्नमेंट कहती है कि हम हर किसी को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और हर कोई इसका कोई भूखा नहीं मर रहा ऐसा गवर्नमेंट का कहना है इसमें ये भी कहा गया है इन अनफॉर्चुनेबल पीडियर इज नॉट बिंग यूनिवर्सली इमीडिएटली यूनिवर्सलाइज इमीडिएटली स्पेशली वन फूड शॉक एट हज सच है क्या कहते हैं ये भी क्वेश्चन राइज होता है कि हमारे यहाँ कह कहते हैं अच्छा अच्छे क्वांटिटी में क्या कहते हैं गवर्नमेंट के पास खाना प्रोवाइड है तो क्या कहते हैं ये इसे यूनिवर्सलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है कि यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए कहीं से भी खाना ले सके कोई भी आराम से क्या कहते हैं उसे दिक्कत ना हो कोई भूखा ना मरे तो क्या कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट चालू करे ओपन मार्केट सेल स्कीम जिसके कारण जिसमें कहते हैं ग्रेन जो होंगी जो अनाज होगा उसे खरीद पाएंगे लेकिन उसके उसमें जो रेट होंगे वो पी से ज़्यादा होंगे लेकिन नॉर्मल रेट से कम होंगे लेकिन वो पी से ज़्यादा होंगे वो फुल कंट्री में लागू होंगे ऐसे इसमें बात की गई है उससे क्या कह कहते हैं उसमें कोई छूट नहीं होगी गरीब के लिए और सस्ता हो ऐसा कुछ स्कीम नहीं होगी तो क्या कहते हैं वो गलत बात है ऐसा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए गरीबों हो के लिए अभी भी स्टेप लेनी चाहिए तभी हेल्प होगा और तभी हम भुखमरी से बच पाएंगे इफ नॉट ओम एस एस टू प्राइवेट बायस द ओनली ऑफ दर ऑप्शन लेफ्ट आर टू आई दियर एक्सपोर्ट दैम और लेट द ग्रेन गो वेस्ट अगर ओ एम एस को नहीं चालू कर रहे हैं, तो प्राइवेट बायर्स के लिए तो क्या कहते हैं अदर ऑप्शन यही बचता है कि उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाए या वेस्ट होने जाए तो वेस्ट करना में अच्छी बात नहीं है तो इसमें वही बात की गई है कि चूजिंग एनी ऑफ दिस ऑप्शन वाइट पीपल गो हंडरिंग इज़ नथिंग लेस देन क्रिमिनल कि इनमें से एक्सपोर्ट करना या बर्बाद होने जाना दोनों ऑप्शन ही गलत हैं और दोनों को नहीं होने देना चाहिए क्योंकि इस वक्त इतने लोग भूख मरीज भूख भूखे सो रहे हैं भूखे हैं लोग क्यों क्योंकि क्योंकि जो वापस गए हैं होम स्टे उनको क्या कहते हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं उन्हें खाना प्रोवाइड नहीं हो पाया तो इन दोनों ऑप्शन में सुटेबल नहीं है दोनों ही ऑप्शन है एक क्रिमिनल क्रिमिनल बताते हैं कि आप एक क्रिमिनल कौन कर रहे हैं तो ऐसे इसमें कहा गया है अगर अगली न्यूज़ आती है इंडिया भूटान साइन पैक फॉर फर्स्ट जॉइंट हाइड्रो प्रोजेक्ट कि इंडिया भूटान के बीच में एक हाइड्रो पावर जॉइंट वेंचर हुआ है प्रोजेक्ट की बात हुई है इंडिया इंडिया भूटान के बीच में जो बनेगा ईस्टर्न रीजन में त्रासिया गेंस्ते में बनेगा भूटान के वहाँ बनेगा 600 मेगावाट का खोलजू प्रोजेक्ट बनेगा एक हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा वहाँ पे इसमें वही बात की गई है चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी